अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 आपके पास है फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेट। अब बेसिकली हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में देख चुके हैं कि हम नेटवर्क किस तरह से क्रिएट करते हैं। इंटरनेट इज आल्सो अ टाइप ऑफ नेटवर्क, बट इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर आपके पास मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो 24/7 कम्युनिकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट का ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो हरगिज नहीं है कि इन द स्टार्टिंग जैसे ही इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ वो तब से ही मिलियंस कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा था। हमेशा आपका नेटवर्क जो है वो एक स्मॉल एरिया से स्टार्ट किया जाता है, देन उन स्मॉल एरियाज को आपस में कनेक्ट करके एक ह्यूज नेटवर्क डिजाइन किया जाता है। तो बेसिकली इंटरनेट की जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि इन 1969 आपके पास एक रिसर्च इंडस्ट्री, एक रिसर्च एजेंसी थी, डेट इज आर्पा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जिसने एक स्मॉल कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया, मतलब सिर्फ अपनी ही एजेंसी में जितने कंप्यूटर्स थे उनका एक नेटवर्क बनाया। उसने क्या किया, उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन आपके आर्मी के इदारे होते हैं, तो इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए जिसके अंदर वो उनके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे थे। मतलब एक यूनिवर्सिटी के जितने भी कंप्यूटर लैब के अंदर कंप्यूटर्स पड़े उनको कनेक्ट कर दिया गया। तो इसका गोल क्या था कि हम ये देख सके कि जब जंग का टाइम आए, इन वॉर टाइम्स, हम आपस में किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर नेटवर्क बनाने का मेन पर्पस ये था कि आप वॉर टाइम्स के अंदर आपस में कनेक्ट कर सके, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को सूरत हाल के बारे में बता सके। तो इनिशियली इन द स्टार्ट जो आर्पा नेट था, इस नाम से एक नेटवर्क बनाया गया जिसके अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती थी, प्लस जो आपकी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी वो अपने स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स को आपस में कनेक्ट करते थे और वो 24/7 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। इन दैट ARPANET नेटवर्क आपके पास चार होस्ट कंप्यूटर थे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट कंप्यूटर, होस्ट कंप्यूटर इज लाइक अ सर्वर कंप्यूटर जो बाकी सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे आप इंटरनेट कनेक्शन जिससे लेते हैं अपने एरिया में, डेट इज योर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसको भी हम होस्ट कंप्यूटर कहेंगे। तो ARPANET के अंदर हर यूनिवर्सिटी में कितनी, हर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में कितने होस्ट होंगे, चार होस्ट होंगे जो सारे कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जैसे ही ये नेटवर्क सक्सेसफुल हुआ, मतलब यूनिवर्सिटीज आपस में कम्युनिकेट कर सकी यूजिंग ARPANET नेटवर्क, या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में ये नेटवर्क सक्सेसफुल हुआ, तो आपकी देख एक दूसरे को देख के डिफरेंट कंट्रीज ने ऐसा ही नेटवर्क जो है वो बनाना शुरू कर दिया अपने अपने स्केल पे। मतलब हर कॉलेज ने बनाना शुरू कर दिया, हर स्कूल ने बनाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने मीनवाइल में क्या किया कि आपने इन सारे नेटवर्क्स को जो डिफरेंट कंट्रीज नेटवर्क बना रही थी उनको कनेक्ट कर दिया। तो जब आप डिफरेंट कंट्रीज के छोटे छोटे नेटवर्क्स को कनेक्ट कर दिया, तो वो एट लास्ट आपके पास किसकी शक्ल में आ गया, इंटरनेट की शक्ल में आ गया। अब ARPANET के अलावा, मतलब कि इस प्रोजेक्ट एजेंसी के अलावा, एक और आपके पास एजेंसी थी, डेट इज नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF, जिसने अपने 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स को कनेक्ट किया था फॉर एकेडमिक पर्पस। एकेडमिक पर्पस का मतलब है कि ये एक एजुकेशनल एजेंसी थी जो कि साइंस की एजुकेशन देती थी। इन्होंने अपने 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स को आपस में कनेक्ट किया और उस नेटवर्क को नाम क्या दे दिया, NSF Net, क्योंकि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। अभी जो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क था वो हाई स्पीड नेटवर्क था जो कि सेपरेटली रन कर रहा था किससे, ARPANET से। अब आप लोगों ने जब ARPANET, NSF Net और डिफरेंट कंट्रीज के छोटे छोटे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो उस नेटवर्क को जब आप, दिस लिंक अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड द इंटरनेट, तो उस नेटवर्क को आपने क्या कहा कि ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरनेट। क्योंकि ARPANET एक अलग कंट्री में डिसाइड करती थी, NSF Net एक अलग कंट्री में डिसाइड करती थी, और डिफरेंट कंट्रीज ने भी इनकी तरफ देखते देखते अपने छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए थे। तो आपने उन सारे स्मॉल स्केल कंप्यूटर नेटवर्क्स को प्लस लार्ज स्केल कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर दिया और किसका नाम दे दिया, इंटरनेट का नाम दे दिया। अब हमने ये देखना है कि इंटरनेट के ऊपर जो आपकी एड्रेसिंग है वो किस तरह से होती है। मतलब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं अगर इंटरनेट यूज कर रही हूं मैं,
उस इंटरनेट में मेरे कंप्यूटर का क्या एड्रेस है या होस्ट जो सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरी एरिया में कोई 100 लोगों ने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है तो वो 100 के 100 अगर एक ही टाइम पे कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह से पता लगेगा कि कौन से कंप्यूटर ने क्या रिक्वेस्ट की है? ऑब्वियस है उसको किस तरह से पता लगेगा, उस कंप्यूटर के एड्रेस से पता लगेगा। तो जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है उसको एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है, डेट इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ डैट कंप्यूटर। और इंटरनेट पे आपके कंप्यूटर की पहचान उस यूनिक एड्रेस से होती है। जैसे कि अगर आपके एरिया में सारे घरों में न्यूज़पेपर की फैसिलिटी दी जाती है, मतलब न्यूज़पेपर प्रोवाइड किया जाता है, तो कहाँ पे करना है प्रोवाइड, कहाँ पे नहीं करना, वो पोस्टमैन को किस तरह से पता लगेगा, वो उसको पता लगेगा बाय योर एड्रेस। तो वैसे ही जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो इंटरनेट क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क होने का मतलब है कि वो एक लार्ज स्केल नेटवर्क है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, अपना डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप जब कंप्यूटर के थ्रू कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको ही क्यों मिला, वो किसी और को सेंड क्यों नहीं हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक सर्च कर रही हूँ और उसी टाइम पे मेरे ही एरिया में एक बंदा जो है वो यूट्यूब सर्च कर रहा है, तो मुझे हमेशा फेसबुक का पेज ही सेंड किया जाएगा, उसको हमेशा यूट्यूब का पेज ही सेंड किया जाएगा हमारी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो डेस्टिनेशन पे किस तरह से करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक। मतलब कि अगर मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया और मेरे सर्वर ने मुझे उस रिक्वेस्ट का फीडबैक दिया, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दिया, तो मेरा जो सर्वर है डेट इज सोर्स मशीन जिसने मुझे डाटा सेंड करना है, और आई एम द डेस्टिनेशन कंप्यूटर जिसने डाटा रिसीव करना है। तो बेसिकली इंटरनेट पे क्योंकि आप एक टाइम पे एक यूजर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूजर यूज करेगा, देर आर मिलियन ऑफ यूजर जो एक ही टाइम पे इंटरनेट की फैसिलिटी यूज कर रहे होते हैं, तो उन सबको उनके यूनिक एड्रेस से हैंडल किया जाता है, उन सबकी रिक्वेस्ट को उनके यूनिक एड्रेस से रिस्पॉन्स किया जाता है। उस यूनिक एड्रेस को आप उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो ये एड्रेस मैं कह रही हूँ कि हर कंप्यूटर को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाए जो कि उसका एड्रेस कहलाएगा, वो एड्रेसिंग जो है वो दो तरह से असाइन की जा सकती है। देयर आर टू एड्रेसिंग स्कीम्स, आईपी एड्रेसिंग एंड डीएनएस एड्रेसिंग। सबसे पहले बात करते हैं जनाब आपके पास आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो आपकी मशीन है ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिक एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं जैसे आपके घरों के एड्रेसेस होते हैं। अब आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स। तो इंटरनेट के जो रूल्स हैं एड्रेस असाइन करने के, उसको हम आईपी एड्रेसिंग स्कीम कहते हैं। अब आईपी एड्रेस के अंदर आपके पास 32 बिट नंबर आता है, मतलब कि जब आप अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेसिंग स्कीम के थ्रू एड्रेस असाइन करेंगे तो उसको एक 32 बिट नंबर असाइन किया जाएगा जो कि उसका क्या कहलाएगा, आईपी एड्रेस कहलाएगा। अब आईपी एड्रेस के अंदर 32 बिट नंबर आता है, 32 बेसिकली आपके पास आता है 2 की पावर 5, तो आपके जो 32 बिट नंबर है वो किसको डिनोट करता है, 4 ऑक्टेट्स। 4 ऑक्टेट्स का मतलब है कि चार हिस्सों में ये डिवाइड किया जाता है, 1, 2, 3, 4, और इन सारे हिस्सों को बाय अ डॉट सेपरेट किया जाता है, डॉटेड डेसिमल, ठीक है। 3, then 3, 3 and 3, 6, 6 and 3, 9 and 9 and 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एक यूनिक एड्रेस है जो कि असाइन किया जाता है हर कंप्यूटर को उसके आईपी एड्रेस के तौर पर। ये आपके पास एग्जांपल दी गई है आईपी एड्रेस की, आप देख सकते हैं 216.27.61.137, ठीक है। अब इस एड्रेस के अंदर हो क्या रहा है बेसिकली कि आप कहेंगे कि ये आपके कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस है, ये आप 137 इज द यूनिक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर जो कि इंटरनेट यूज कर रहा है या उस पर कुछ भी सर्च कर रहा है। ये जो 61 है ये आपके एरिया का यूनिक एड्रेस है, ये जो 27 है ये आपकी सिटी का यूनिक एड्रेस है, और ये जो 216 है ये आपकी कंट्री का यूनिक एड्रेस है जो कि एट लास्ट गूगल के हेड ऑफिस से जाके लिंक होगा। तो बेसिकली इस तरह से आपका आईपी एड्रेस जो है वो डिजाइन किया जाता है। अब आईपी एड्रेस के अंदर टोटल आपके पास चार हिस्से होते हैं। सबसे पहला आपका पर्सनल एड्रेस,
पर्सनल कंप्यूटर का एड्रेस, उसके बाद दूसरा आपके होस्ट कंप्यूटर का एड्रेस, तीसरा आपके सिटी का कंप्यूटर का होस्ट कंप्यूटर का एड्रेस, और चौथा आपके कंट्री के होस्ट कंप्यूटर का एड्रेस। अब ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है, ये जो नंबर आप यूज करें 216.27.60.1 and 137, इनकी रेंज जो है वो 0 to 255 तक हो सकती है, ठीक है। तो आप ये जो 216 है ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 255 तक। सेम केस भी 27 कहाँ तक जा सकता है, 255 तक, ठीक है। अब ये जो आपके पास आईपी एड्रेस है, इस ये डायनामिक होता है। डायनामिक होने का मतलब है कि ये चेंज होता है। चेंज होने से क्या हो रहा है कि अगर मैं कंप्यूटर यूज कर रही हूँ सफदरजंग में, तो वहां पे मेरा आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, और अगर मैं वही कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन यूज करूंगी समनाबाद में, तो वहां पे मेरा आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द एरिया ये चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जिस एरिया में बैठ के आप कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्शन यूज करेंगे, उस एरिया के अकॉर्डिंग ही आपको आईपी एड्रेस दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस नहीं है, क्या है, डायनामिक। लेकिन डायनामिक किनका है, हमारा, जिन्होंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिनको आप होस्ट कंप्यूटर बोलते हैं या सर्वर बोलते हैं, उनका आईपी एड्रेस हमेशा स्टैटिक होता है। मतलब समनाबाद में जिस सर्वर ने सारे कंप्यूटर्स को इंटरनेट कनेक्शन दिया है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। लेकिन अगर वो जो वहां पे रिहायशी हैं, वो अपना एरिया चेंज करेंगे, तो वो जैसे ही एरिया चेंज करेंगे, उनका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो सर्वर जहां से कनेक्शन लिया जाता है, उसका आईपी एड्रेस हमेशा स्टैटिक होता है, और जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, जो कनेक्शन लेते हैं, जो आपकी होम मशीन्स हैं, उनका आईपी एड्रेस हमेशा डायनामिक होता है। वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे कि आप कौन से आईएसपी, कौन से एरिया के आईएसपी से कनेक्शन ले रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर की लोकेशन चेंज करते हैं, उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। अब जब आप अपने कंप्यूटर को आईपी एड्रेस के थ्रू इंटरनेट पे कोई भी मशीन जब कुछ भी सर्च करती है, तो वो उस सर्वर के साथ भी, सर्वर से जो रिक्वेस्ट करती है, वो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू कर सकती है। मतलब अगर मैं ये यूआरएल सर्च करूंगी, यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो अगर मैं ये यूआरएल यूज करती हूँ कोई भी चीज सर्च करने के लिए, तो ये मुझे किसके साथ कनेक्ट कर देगी, मेरे वेब सर्वर के साथ, क्योंकि ये जो एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस है मेरे वेब सर्वर का, ठीक है। तो आईपी एड्रेसिंग स्कीम के अंदर आप इस तरह से अपनी यूआरएल को अपने ब्राउजर के अंदर सर्चिंग करते हैं। अब देन दूसरी है आपके पास एड्रेसिंग स्कीम, डीएनएस एड्रेसिंग। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम एड्रेसिंग स्कीम। अब डोमेन नेम स्कीम के अंदर आपके पास क्या आता है कि बजाय इसके कि आप इतना लंबा ऑक्टेट याद करें अपने आईपी एड्रेस का, आपको एक यूनिक नाम दे दिया जाता है। आप बजाय इसके कि ये सारे नंबर्स याद रखें, आप सिर्फ अपना नाम याद रखते हैं, और उसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या आप ये बता सकते हैं कि आपने कंप्यूटर के थ्रू क्या सर्च करना है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग रिमाइंड करना बहुत मुश्किल है। सो आईपी एड्रेसिंग स्कीम को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया विद डीएनएस एड्रेसिंग स्कीम। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम एड्रेसिंग स्कीम। अब डोमेन नेम स्कीम ऑफ एड्रेसिंग के अंदर आपके पास दो चीजें आती हैं कि आप कौन सी डोमेन यूज कर रहे हैं, प्लस आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसका नाम क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा www.hotmail.com, तो ये जो hotmail है डेट इज योर ह्यूमन रीडेबल नेम, और ये जो .com है डेट इज योर डोमेन, ठीक है। तो आप ये बता देते हैं कि आप अपने नाम के साथ किस किस्म की डोमेन यूज कर रहे हैं। डोमेन आपको ये बताती है कि ये जो साइट आप यूज कर रहे हैं, जो आपने पेज ओपन किया है, ये कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है, ठीक है। सम कॉमन लेवल डोमेन्स जो आपके पास हैं वो ये हैं, .com कमर्शियल, मतलब कि बिजनेस, मतलब आप देखेंगे फेसबुक के एंड पे .com लिखा होता है, यूट्यूब के एंड पे .com लिखा होता है, इंस्टाग्राम के एंड पे भी .com लिखा, क्योंकि वो सारी कमर्शियल साइट्स हैं, वो बिजनेस कर रही हैं। जितने लोग उसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, वो कमर्शियली उन अकाउंट्स को यूज कर सकते हैं, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उनको पेमेंट मिलेगी। देन .edu, अब ये लिखा होता है आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे, www.punjabuniversity.edu.pk। तो ये जो edu है, डेट इज फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। Then .gov, अब जैसे आपकी FPSC की साइट है, आप PPSC की साइट है, HEC की साइट है, उनके एंड पे .gov लिखा होता है, .gov फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। Then IML,
सॉरी MIL मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी आपकी डिफेंस रिलेटेड साइट्स हैं जिसके ऊपर आपके आर्मी आर्मी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, वो सारी आपकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है और उनकी जो डोमेन होती है डेट इज .MIL. देन ORG स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिटेबल. अब ये जो ORG की डोमेन होती है इनका मतलब होता है वो वाली साइट्स जो कि बिजनेस तो कर रही है लेकिन उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता. जैसे .com है ना, अगर आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो जो फेसबुक का क्रिएटर है, जो ओनर है, उसको पेमेंट मिलती है. लेकिन जो .org वाली साइट्स होती है वो नॉन प्रॉफिटेबल होती है, मतलब वो सिर्फ लोगों को एडवांटेज देने के लिए डिजाइन की जाती है, उनका कोई भी अपना प्रॉफिट नहीं होता. तो ये जनाब हमारे पास एड्रेसिंग स्कीम्स थी. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स आपके रह गए हैं, ईमेल एंड URL, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ये आप लोगों ने करना है. अल्लाह हाफिज़.